जब मास्टर जी ने राहुल से उसके देरी से आने का कारण पूछा तो राहुल ने कहा, जब मैं अपने 400 रुपए के बैग में 80 रुपए का टिफिन, 40 रुपए की बोतल डाल के और 750 रुपए के जूते पहनकर घर से निकला तो मुझे याद आया कि मैं अपनी 25 रुपए की नोटबुक तो डालना ही भूल गया। जी हाँ, ये लड़का हर चीज को पैसे में तोलता है, चाहे वो आम का अचार हो या दोस्त का प्यार हो। लेकिन मास्टर जी ने भी 10 रुपए के डंडे से राहुल की तोड़ी गांड। शायद इतनी ठुकाई राहुल के लिए काफी नहीं थी। अगले दिन उसने कहा, मेरी 4000 की जीन्स, मेरा फ्री का दोस्त, मेरी 5 रुपए की पेंसिल, मेरा 700 रुपए का बालू, मेरा 1000 रुपए का क्यूब। और जब गलती से विष्णु ने लगाया राहुल के कपड़े पे दाग तो राहुल ने याद दिलाई उसको उसकी औकात, मेरा 500 रुपए का टी शर्ट, सॉरी। कीमत ने राहुल का दिमाग खराब कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राहुल अपने घायल दोस्त की मदद करने की बजाय अपनी कीमती गाड़ी का दुखड़ा गाने लगा और ऊपर से वो गिनाने लगा पेट्रोल के बड़े दाम, गाड़ी का सर्विस चार्ज, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, अपने घर का भाड़ा, अपनी सेटिंग का खर्चा और अपने अंडरवियर की कीमत भी। आखिरकार तंग आकर विष्णु ने वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता। लेकिन इस फटी हालत में भी राहुल को अपनी जान से ज्यादा अपने कपड़ों की परवाह थी। यह बात सुनकर विष्णु आग बबूला हो गया और उसने राहुल की कनपट्टी पे निशाना साधा। राहुल ने खुशी खुशी अपने 2 रुपए के दिमाग कम गोबर ज्यादा का बलिदान किया। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, यह स्टंट घर पे ना करें। हमारा उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।